अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हम ये तिरंगा लहंगा देखेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया गया है। इसमें हमने दो लेस और इस तरह के दो कपड़े और वाइट कपड़ा और यहाँ पर लाइनिंग भी यानी अस्तर भी हमने वाइट ही इस्तेमाल किया है। तो ये कपड़ा हमने कितना कितना लिया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक लिया है 9 मीटर का और अस्तर लिया है 10 मीटर, ऑरेंज कपड़ा है 2.5 मीटर का और ग्रीन भी 2.5 मीटर का है और दोनों लेस हमारे 9-9 मीटर के हैं। और यहाँ पर हमें पेपर कैनवास भी लगेगा, वो भी हमें 4 मीटर चाहिए यहाँ पर। तो ये जॉर्जेट का वाइट कपड़ा है और ये दोनों कॉटन के कपड़े हैं हमारे। जो मेन फैब्रिक है लहंगे का वो जॉर्जेट का है। तो इस तरह के दो लेस यूज़ करे हैं हमने, ये 9-9 मीटर के लेस है हमारे, पूरी बंडल है ये। तो लहंगे की लेंथ है 42, बेल्ट लेंगे 2 इंच का यानी 40 इंच हमारा तैयार होगा। वेस्ट यानी कमर है हमारी 36 की। तो इस तरह से हमें इसे क्रॉस में घड़ी डालना है तो 4 पदर हो जाएगा, 2 पदर में हमने क्रॉस में डाला है। तो 36 की हमारी कमर है तो ऊपर से हम लेंगे यहाँ पर 12.5 इंच पर इस तरह से मार के इसको राउंड शेप में बना कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से, तो ये टोटल देखिए इस तरह से 10 इंच यानी 1 इंच प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 10 इंच का घेर है हमारा यहाँ पे। अभी इसकी लेंथ लेंगे तो 42 लेंथ है। तो हम अभी ये अस्तर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे हम 39 इंच यानी हम 3 इंच कम लेंगे मेन फैब्रिक से इसको। देखिए यहाँ पर 39 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। हमें अम्ब्रेला कटिंग की तरह इसको कटिंग कर लेना है तो 39 पर ही मार्किंग कर लेंगे राउंड पर। इस तरह से पूरे कपड़े को हमने कवर कर लिया है तो अभी इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा तो वो जॉइंट भी हम निकालेंगे। पहले ये भाग कट कर लेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, उसके बाद जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो निकाल कर लेंगे। देखिए इस तरह से डालना है हमें स्ट्रेट बाजू को, स्ट्रेट बाजू ही डालेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे स्ट्रेट में। जो राउंड हमने नीचे का हिस्सा लिया था 39 पर, तो वहाँ पर से ही इसके भी मार्किंग कर लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि वो बैक साइड में फोल्ड होकर कवर हो जाए। देखिए इस तरह से ये बैक साइड में फोल्ड होकर इस तरह से कवर हो जाएगा। तो आज हम पूरी कटिंग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो अब पूरी लेंथ हमारी 41 है यहाँ पर। तो इस कपड़े को हमने इस तरह से घड़ी कर ऊपर से पिनअप किया है ताकि कपड़ा हले ना। तो हमारी पूरी लेंथ 41 में से हम यहाँ पर 16 इंच माइनस करेंगे यानी 8-8 इंच के दो कपड़े हम ऑरेंज और ग्रीन वाला कपड़ा लेंगे यहाँ पर। तो 16 इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे और यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर का हिस्सा हमारा बचेगा 25 इंच का। तो 25 पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अभी इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर कटिंग कर लेंगे। देखिए 25 है ये और नीचे का है हमारा 16 इंच। तो अभी इसको कटिंग कर लेंगे हम। तो हमारा ये जॉर्जेट का मेन फैब्रिक भी यहाँ पर कट हो चुका है। तो अब ग्रीन कपड़ा लेंगे हम।
तो ग्रीन कपड़ा हम लेंगे यहाँ पर चार घड़ी कर ये ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से पहले निकाल लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज है इसलिए। तो यहाँ से हम लेंगे अब 9 इंच, 8 इंच हमारा मेन फैब्रिक चाहिए हमें, 1 इंच सीने के लिए हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो इस तरह से 9-9 इंच पर पट्टियाँ बना कर लेंगे हम, तो पूरे 9 मीटर की पट्टी हमारी ये तैयार होनी चाहिए। क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा 9 मीटर का है तो नीचे की पट्टी ये पूरी टोटल यानी एक में को जोड़कर हम लंबी पट्टी यहाँ पर तैयार कर लेंगे लेस टाइप में। तो ये पूरी 9 मीटर की होनी चाहिए, इस तरह का ध्यान रखते हुए ये पट्टी को हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब नीचे का हिस्सा जो बचेगा वो हम ऊपर बेल्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो 9 इंच पर यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है हमारी। तो नीचे अब एक पट्टा बच रहा है, तो 4-4.5 इंच तक हमें ऊपर बेल्ट के लिए चाहिए, तो वो कपड़ा यूज़ में आएगा हमारे। अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह हमें ऑरेंज कपड़ा भी कटिंग कर लेना है, वो भी हम 9-9 इंच पर ही इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे इस तरह से पट्टियाँ निकल चुके हैं, तो ऑरेंज कलर के पट्टियाँ भी हम इसी तरह निकाल कर लेंगे। तो ये दोनों फैब्रिक हमारे तैयार है, ग्रीन और ऑरेंज। तो इसके भी हमने सेम उसी तरह 9 इंच की पट्टी फोल्ड कर 2 घड़ी में काट कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए कैनवास लेंगे, तो ये कैनवास की यहाँ पर चौड़ाई हमने 25 इंच ली है। इसको जॉइंट आएगा इस तरह से। तो इसको 22 इंच पर बराबर इस तरह से कटिंग कर लेंगे और कपड़े को भी इसी माप का कट कर लेंगे हम। तो इसको भी थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक में यहाँ पर निकाल कर लेंगे हम इसको। तो ये तैयार हो गया हमारा बेल्ट। इसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है। अब हमने जो ग्रीन और ऑरेंज कपड़ा कटिंग कर लिया है उसके नीचे हम अस्तर लगाएंगे ताकि वो कपड़े को एक थिकनेस आए इसलिए। तो यहाँ पर हम ये 17 इंच के पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये भी पट्टियाँ हमारे 9 मीटर के होने चाहिए। वो 8-8 यानी 16 इंच के है, तो 1 इंच हमने बढ़ाया है यानी 18 इंच के हो जाएंगे वो, पर जोड़ने के बाद वो 17 इंच के हो जाएंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पर 17 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। इस तरह से हमने 17-17 पर मार्किंग कर इस कपड़े को भी कटिंग कर लेना है। ये टोटल इसकी भी पूरी लेंथ हमें 9 मीटर की चाहिए। इसलिए हमने अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, 10 मीटर का हमने कपड़ा लिया था यहाँ पर। अब इसको कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी मेजर से यानी इसकी जितनी लेंथ है हमारी 17 इंच, उसी तरह से हमें कैनवास भी कटिंग कर लेना है। कैनवास भी कटिंग कर लेकर सेम इसी तरह से यानी 17 इंच लंबा यानी चौड़ा और 9 मीटर का लंबा कैनवास भी चाहिए हमें, तो वो भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कटिंग तैयार है। के वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।